ये जो सर्किट दिया हुआ है, अगर इसी क्वेश्चन का हमसे वाई पैरामीटर पूछें, यहाँ पे तो अभी जेड पैरामीटर पूछा है तो हमने जेड पैरामीटर ऐसे निकाला सिंपल। अगर इसी क्वेश्चन में पूछे कि इसके वाई पैरामीटर निकालो, तो वाई पैरामीटर निकालने के लिए अलग प्रोसीजर है कि V1 को उसमें वोल्टेज को जीरो करते हैं, ये इसमें करंट को जीरो करते हैं, ये ओपन सर्किट पैरामीटर होते हैं, वो शॉर्ट सर्किट पैरामीटर होते हैं। अब हमको कैसे करना है कि हमें जेड तो आता ही है, जेड हमने ऐसे निकाल लिया V1 और I1 से सॉल्व करके, ये हमें पता है कि वाई इक्वल टू 1/Z। तो अगर इसी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स ले दें तो हमें वाई मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे ले सकते हैं, ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स है। अगर हमें इसका इन्वर्स लेना है तो कैसे करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट AD-BC डिवाइड बाई AD-BC डिवाइड बाई ये इंटरचेंज D यहाँ पे, A यहाँ पे, आपस में साइन चेंज -C -B, सिर्फ साइन चेंज होंगे इन वैल्यू पे। अब यहाँ पे वाई पैरामीटर कैसे निकालेंगे, 5 3 -2 -2 AD 15 -4, सॉल्व कर लिया 1/11, 5 -2 -2 और 3 सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 5/11 -2/11 -2/11 3/11 सॉल्व कर लेंगे, तो वाई पैरामीटर आ जाएगा डायरेक्टली। ऐसे सॉल्व कर लो, ये सिंपल V1 को वोल्टेज सॉल्व कर लो तो उसमें बड़ा टेंशन रहता है, ये सिंपल रहता है कि हमें एक वाई आया, वाई से ही सॉरी हमें जेड आया, जेड से ही हमने वाई निकाल लिए। ऐसे ही हम ABCD निकाल सकते हैं और ऐसे ही हम H पैरामीटर निकाल सकते हैं। अगर इनमें ऐसे इंटरचेंज पूछा जाए एग्जाम में, जेड और वाई में क्या इंटरचेंज है, तो वाई इक्वल टू 1/Z और इसका इन्वर्स निकाल दिया तो ऐसे इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इन्वर्स भी पूछे और एक एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे, तो जेड और वाई में क्या है, वाई शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, वो ओपन सर्किट पैरामीटर, वाई निकाल जेड निकाल लिया पहले, जेड को इन्वर्स कर दिया तो हमारे पास वाई आ गया, ये वाई आ गया सिंपल। तो इसमें Y11 क्या हो गया, 5/11, Y12 -2/11, Y21 -2/11 और Y22 3/11। थैंक यू।